Hi everyone, today we will continue solving the UGC NTA NET paper 18 December 2018 second shift. So far we have completed 30 questions in the last video. Now we're gonna solve the next 20 questions in this video. So let's start with the 31st question. So the first 5 questions will be from data interpretation. So it is very important for you guys to read the information carefully before solving the 5 questions of DI. So in this paragraph, there are 2 lines which are very important for you. That is 855 PhD students in the University C and a total of 5700 students who have successfully completed the PhD program. So let's start solving the questions. So first of all, you need to see these 2 tables. So you have given 2 sets of tables. So in the first table, you have name of universities, that is A, B, C, D, E, F, G. And then you have percentage of students who joined PhD. Jin bachcho ne PhD ko join kiya hai, unka aapke paas percentage hai. Uske baad aapke paas hai percentage of students who successfully did PhD. Jin bachcho ne successfully PhD kar li hai, that is 18%, 17%, 13%, ye sara aapke paas percentage mein hai. Aapko yahan par ek kaam karna padega, because ye wala DI thoda sa aapko lengthy lagega, and aapke jo 5 questions hai, उनके लिए आपको कुछ चीज़ें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में. दैट इज़ दीज वैल्यूज़ जो कि मैंने ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं. सो आप इनको कैसे करेंगे सॉल्व? यू विल डू वन थिंग, 22% ऑफ 855 जो कि आपको पहले दिया है यहाँ पर, दैट इज़ 855 स्टूडेंट्स आपको पहले से वैल्यू दी हुई है. तो यहाँ पर आपको जैसे सिर्फ परसेंटेज दिया है स्टूडेंट्स का हु ज्वाइंड, आपको इनका एक्चुअल नंबर निकालने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स एक्चुअल में ज्वाइन किया था, उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 22% ऑफ 855, 15% ऑफ 855, 10% ऑफ 855, आपको ऐसा ही सबके साथ करना है यहाँ पर. और यहीं पर दूसरे पार्ट में भी आपको सिर्फ परसेंटेज दिए स्टूडेंट्स की जिन्होंने सक्सेसफुली पीएचडी करी है. अब उनका आपको एक्चुअल नंबर निकालना है जो कि मैंने ब्रैकेट्स में आपके लिए पहले से सॉल्व किया हुआ है. सो आप इसको कैसे निकालेंगे? सेम लाइक दिस, यू विल डू 18% ऑफ 5700, 17% ऑफ 5700, 13% ऑफ 5700. सो आपको इसी तरीके से ये वैल्यूज़ पुट करनी है और आपकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी. सो दीज आर द एक्चुअल स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनका परसेंट है, ये इनका एक्चुअल वैल्यू है कितने स्टूडेंट्स थे. सेम यहाँ पर भी एक्चुअल वैल्यू है कि कितने बच्चों की पीएचडी सक्सेसफुली हो गई है. सो आपको ये ब्रैकेट्स वाला पार्ट खुद सॉल्व करना पड़ेगा जिनके बेसिस में आपके 5 क्वेश्चंस हैं. देन इन योर नेक्स्ट टेबल यू हैव फॉरेन पीएचडी स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी सी. सो यहाँ पर आपके नंबर्स हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जिन्होंने जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में है. तो इसका भी आपको टोटल नंबर निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 31 बेस्ड ही इसमें है. सो इसका हमने पहले से ही टोटल निकाल लिया है कि ये कितने हैं, तो हमने इनको प्लस कर लिया है. तो दैट इज़ 171. सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द डी आई. What percentage of students in University C is that of foreign students? हमने सारी वैल्यू निकाली हुई है. अभी हमने यहाँ पर जो लास्ट में पूरा टोटल किया था, दैट इज़ 171 फॉरन स्टूडेंट्स का, उसको हम डिवाइड करेंगे 855 से जो कि हमने वैल्यू परसेंटेज की निकाल ली थी यूनिवर्सिटी सी की. सो हम इनको डिवाइड कर देंगे 171 अपॉन 855 इनटू 100, आपका आंसर आ जाता है सीधा सीधा 20%. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो पहले वैल्यूज निकाली हैं उसको आपको पुट करना है. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटी हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द पीएचडी प्रोग्राम आउट ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइन दैट यूनिवर्सिटी. ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है जब आप ये इक्वेशंस सॉल्व कर लेंगे, जब आप ये निकाल लेते हैं ब्रैकेट्स वाली वैल्यू परसेंटेज से. तो आपको बस यही वैल्यूज आप पुट करती जानी है अपने क्वेश्चंस में. सो यहाँ पर आपके पास है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ हु कम्प्लीटेड अपॉन टोटल हु ज्वाइंड इन टू 100. ई वाले पार्ट में जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, यू हैव टू पुट this and this, 513 upon 684 into 100. आपको ये करना है यहाँ पर, और आपको ये चारों ऑप्शंस में अपने करना है. सो इट इज़ वेरी इजी व्हेन यू सॉल्व द टेबल. सो आप क्या करेंगे इधर,
टोटल हु कंप्लीटेड अपॉन टोटल हु ज्वाइन इनटू 100. सो ये आपको चारों में करना है, आपको देखना है कि किसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट थे जो पास हुए हैं. सो यू हैव सी ऑप्शन जो कि सही है. यहाँ पर जब आप करेंगे 741 अपॉन 855 इनटू 100 आपके पास ये वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, जो कि सबसे ज़्यादा आएगी इन बाकी तीनों में से. सो विच विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 33. वट इज़ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द PhD प्रोग्राम टू द स्टूडेंट्स हु ज्वाइन द यूनिवर्सिटी जी. तो यहाँ आपसे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जी के बारे में पूछा गया है सिर्फ. सो यूनिवर्सिटी जी का जब आप देखेंगे, आपने ज्वाइंट का भी निकाला हुआ है, आपने वहाँ पर जितने बच्चों ने सक्सेसफुली पास किया है आपने जब उनका भी निकाला हुआ है, आपको बस उनको डिवाइड करना है आपस में. तो आप देख लेंगे इसका रेशियो है 1:2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम्प्लीटेड द PhD प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटीज ए एंड डी टुगेदर एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइन द यूनिवर्सिटीज सी एंड ई टुगेदर बाय. यहाँ आपको वही इन्फॉर्मेशन पुट करनी है फ्रेंड्स जो हमने निकाला है. तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए सारे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो ब्रैकेट्स वाली वैल्यू ज़रूर सॉल्व करें जो मैंने आपको सॉल्व करके दी है, बिकॉज विदाउट दोज वैल्यूज यू कांट सॉल्व दी DI. सो यहाँ पर आपको वही वैल्यूज पुट करनी है, ए की जो है वैल्यू जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है 1026 है, डी की है 912, और जिन्होंने ज्वाइन किया था सी में उनकी वैल्यू आई थी 855 स्टूडेंट्स, 684 स्टूडेंट्स. आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, प्लस करके इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 399. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 35. In case there are 21 African students in University E, then approximately what is their percentage in that university? अगर आपके पास E में जो बच्चे हैं 684 हैं एंड उनका शेयर अगर उनमें 21 स्टूडेंट्स का है जो African है, तो आपको उनका परसेंटेज बताना है कितना होगा. सो आप यहाँ पर सीधा सीधा करेंगे 21 अपॉन 684 इंटू 100, तो यहाँ पर आपको African स्टूडेंट्स का पूरा शेयर मिल जाएगा जो कि है 3%. सो ऐसे आपका DI सॉल्व होगा फ्रेंड्स. बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आप इनके परसेंटेज से एक्चुअल नंबर निकालने स्टूडेंट्स का, जो कि आप करेंगे X% ऑफ जो कि आपका पूरा था, डैट इज 855, एंड दूसरे वाले में आपका क्या था 5700. तो आपको स्टार्टिंग में टेबल में ही ये दो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि आपका सॉल्व हो जाएगा. सो आफ्टर DI यू हैव क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज इन द टू सेट्स गिवन बेलो सेट वन स्पेसिफाइज H2S लेवल इन अ वाटर सैंपल वाइल सेट सेकेंड प्रोवाइड्स ऑब्जर्वेशंस मैच द टू सेट्स. तो यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग आया है और ये आपका है फ्रॉम एनवायरमेंट सेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वट इज H2S. H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड. सो नाउ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दैट जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है पानी का रंग उतना डार्क होता जाता है. यू विल सी द डार्क कलर इंक्रीजेस. सो यहाँ अब ऑप्शंस बहुत ईजी हैं पता करना व्हेन यू नो दिस थिंग. अगर पानी में H2S प्रोड्यूस हो ही नहीं रही है तो आप देखेंगे पानी एकदम क्लीन रहेगा, दे विल बी नो कलर, दे विल बी इट विल बी कलरलेस. एंड जब आप देखेंगे कि H2S प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ज़्यादा एंड उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, यू विल सी कि पानी का रंग एकदम ही डार्क हो गया है हाई वाटर पोल्यूशन. सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट. सो इसको पता करना बहुत इजी है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर ICT डिपार्टमेंट. सो मोहन टेल्स हिज फ्रेंड सोहन सोहन एट gmail.com, रोहन रोहन एट yahoo.com एंड john@gmail.com डेट ऑफ हिज बर्थडे पार्टी थ्रू एन ईमेल एज शोन बेलो. अगर यहाँ आपने ईमेल वाला सेक्शन अपना ढंग से पढ़ा है फ्रेंड्स तो आप इजीली गेस कर सकते हैं इसका आंसर. सो यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम दिस ईमेल. दिस ये जो ईमेल का आपको पूरा फॉर्मेट दिया है आपसे पूछा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट डिराइव नहीं हो रही है. सो सोहन नोज दैट रोहन रिसीव्स द ईमेल. सोहन नोज दैट रोहन रिसीव्स द ईमेल, इट इज़ वेरी ट्रू. रोहन नोज दैट जॉन रिसीव्स द ईमेल, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. रोहन को पता बिल्कुल नहीं चलेगा. जॉन नोज
that both Sohan and Rohan received that email. It is very true. 100% true hai ye statement. Sohan knows that the birthday party will be held on 15th. It is also very true. So, agar aap email ka section dhang se padh ke jaate hain, jisse har saal question aa raha hai, to ye question aap easily solve kar lete hain. Then comes question number 38. Using a word processing software, an image on page 2 of a document is to be repeated on page 4 of the same document. So फ्रेंड्स, ये आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है. जब आप एक जगह से कोई चीज़ लेके दूसरी जगह उसको पेस्ट करते हैं, दैट इज़ ऑलवेज कॉल्ड कॉपी पेस्ट. अगर आप कभी भी यहाँ से कुछ लेके इसको कहीं और कॉपी करेंगे, इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड कॉपी पेस्ट. सो आपका सही आंसर है कॉपी पेस्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. For promoting human values through programs of the university system in India, which of the following activities have great potential? अगर आपको promote करना है human values through programs, तो कौन सी activities हैं जो कि सबसे ज़्यादा potential हैं, जो कि सबसे ज़्यादा help करती हैं इसको promote करने के लिए? So the answer is association of NGOs. It is a part of MHRD, where it is mentioned that association of NGOs promote human values. So the reason is that ye answer sahi isliye because it is a core objective of NGOs to promote human values. So it is very important for you to study MHRD also for your exam. So the next question is question number 40. Yahan par aapko fir se diya hai from ICT. सो आई सी टी में फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप कंप्यूटर्स के पार्ट्स ढंग से पढ़ें, बिकॉज दे विल बी 2-3 क्वेश्चंस एवरी ईयर फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. सो देर आर टू सेट्स गिवन बेलो. सेट वन स्पेसिफाइज द आईटी रिलेटेड एक्रोनॉम्स. यहाँ पर आपको कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिए हैं और उनके बाद आपको उनकी फंक्शंस दिए हैं, आपको मैच करने हैं. सो अगर आप इनके ये सारे ऑप्शंस देखें फंक्शंस के, सो आप ईजिली गेस कर सकते हैं कुछ वर्ड से. टेम्प्रेरी स्टोरेज, जब आप देखते हैं, वेन यू सी द वर्ड टेम्प्रेरी स्टोरेज, यू कैन ईजिली गेस यहाँ पर बात किसकी हो रही है, राम की. बिकॉज राम जो है वो है टेम्प्रेरी स्टोरेज. राम को आप हमेशा बोलते हैं टेम्प्रेरी स्टोरेज, बिकॉज राम में आप कोई भी चीज़ परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते. देन कम्स द परमानेंट स्टोरेज वाला थिंग, विच इज़ रोम. क्योंकि रोम में आप कोई भी चीज़ अगर परमानेंटली स्टोर करते हैं, वो उसमें रहती है, चाहे आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करें या फिर ना करें. देन कम्स दी CPU. CPU आपके लिए पता करना बहुत ईजी है एंड बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप रिकोगनाइज कर सकते हैं, बिकॉज CPU इज़ समथिंग कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल दी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दी कंप्यूटर. देन आपका खाली एक ही ऑप्शन बनता है जाहिर से, जो कि LCD का होगा. सो आपका करेक्ट कोड है ये. देन कम्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements are indicative of the vision of blue revolution? For your answer, select from the quote. First of all, it is very important for you to know what is blue revolution. So blue revolution, it is intense growth in the worldwide aquaculture industry. So aapke liye agar aapko pata hai ki blue revolution kya hai, inka vision kya hai, you can easily mark the correct statement. So correct statements are promoting development of botanical gardens, very true. Creating an enable environment for the full potential of fisheries in the country, very true. आप जब aquaculture की बात करते हैं, आप समझ जाते हैं कि ये statements बिल्कुल सही है. Then comes improving the status of fish farmers, very true. Then comes promoting integrated development of fisheries of the country. So ये दो आपके गलत हो जाते हैं, बिकॉज बाकी के चारों में आपकी एक्वा की बात हो रही है, तो ये आपके करेक्ट हैं. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी A, B, C एंड E. नाउ द क्वेश्चन 42. इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. आपसे यहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो ये आपको बताना बहुत ईजी है फ्रेंड्स. अगर आप कंप्यूटर के टर्म्स प्रॉपर पढ़ के जा रहे हैं, आपको ये आंसर देना बहुत ईजी हो जाता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज द गैप बिटवीन दोज इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी हु आर कंप्यूटर लिटरेट, हैव एसेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज लाइक द इंटरनल एंड दोज हु डू नॉट. सो यहाँ आपसे पूछा गया है वो लोग जिनके पास कंप्यूटर का पूरा एसेस है एंड वो लोग जिनके पास एसेस नहीं है. आपसे इनसे पूछा गया कि जो इनके बीच का गैप है उसको क्या बोलेंगे. एक तरफ वो लोग हैं जो कंप्यूटर को ठीक से देख पढ़ पाते हैं, उसको एकदम उसमें काम कर पाते हैं, लिटरेट हैं,
यहाँ पूछा गया है जिनको कुछ नहीं पता कंप्यूटर के बारे में तो इस गैप को क्या बोलेंगे. सो व्हाट विल यू से इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन्स द गैप बिटवीन दोज हु हैव एसेस टू कंप्यूटर्स एंड दोज हु हैव नॉट विच इज़ कॉल्ड डिजिटल डिवाइड. ये आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है डिजिटल डिवाइड की. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ओवरसीज द फंक्शनिंग एंड क्वालिटी आस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स. तो ऐसा कौन सा इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टीचर एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स की क्वालिटी एंड फंक्शंस को देखता है. तो अगर आप ये चारों ऑप्शन देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ईजिली देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यार टीचर वर्ड ही खाली एक ही ऑप्शन में यूज़ हुआ है. आपके लिए गेस करना भी थोड़ा ईजी हो जाता है. सो वेन यू सी नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTE, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. बाकी आपके जितने भी हैं वो गलत. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन स्टेटस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी. सो यहाँ पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट परफेक्टली डिफाइन करता है इनके स्टेटस को. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर डीम टू बी यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, दैट इज़ फुली मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक एनी यूनिवर्सिटी. इनको पूरे तरीके से मेंटेन किया जाता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को जिस तरीके से मेंटेन किया जाता है तो इनको भी इस तरीके से ही मेंटेन किया जाता है. देन कम्स दी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन. इनके लिए पूरी रिसर्च प्लानिंग करी जाती है, इनके मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखा जाता है. सो आप अगर आप ऑप्शंस देखें आपके करेक्ट ऑप्शन ए एंड सी बैठते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पर आपको फिर से मैच द फॉलोइंग दिया गया है जो कि आपका है फ्रॉम योर पॉलिटी एंड एनवायरमेंट सेक्शन. सो अगर ये क्वेश्चन आप देखें फ्रेंड्स, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. आपको यहाँ पॉल्यूशन के टाइप्स लिखे हैं और उनके आपको यहाँ बताए गए हैं क्या क्या उनके मेन इंडिकेटर्स हैं, सोर्सेज क्या क्या हैं कि वो कहाँ से हो रहे हैं, कॉजेज क्या क्या हैं. तो पहला आपको पोल्यूशन टाइप बताया है, दूसरा आपको कॉजेज दिया है. सो अगर आप नॉर्मली देखें, अगर आप इसमें बेस्ट देखें कि जो सबसे ज़्यादा सूचेबल है, सबसे ज़्यादा इजी है फाइंड करना, दैट इज़ एयर पोल्यूशन एंड मोटर व्हीकल्स एमिशंस. मोटर व्हीकल एमिशंस की जब बात करते हैं, आप बात करते हैं व्हीकल्स की, लाइक ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, जाहिर सी बात है वो एयर पोल्यूशन ही फैलाते हैं ज़्यादा. आप इंडस्ट्रीज थर्मल पावर्स की बात करते हैं, प्लांट्स की, वो एयर पोल्यूशन फैलाते हैं. सो आपके लिए बहुत ईजी है मैच करना इन दोनों को. देन कम सबसे ईजी ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. फ्रेंड्स ऑब्वियसली जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे, आप उनको सॉइल में यूज़ करेंगे, आप उनको लैंड में यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ईजीली है आपके लिए गेस करना कि आप इनको मैच करेंगे. देन कम्स पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स सच एज डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज. जब इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज होता है, सीवेज प्रॉब्लम होती है, वो जाहिर से बात है हमेशा वाटर पोल्यूशन ही फैलाते हैं. उसके बाद जो आपका एक बचेगा वो आपका लास्ट ऑप्शन बन जाता है. सो दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोग्राम इन अ यूनिवर्सिटी एम्स एट वैल्यू एजुकेशन इन अ होलिस्टिक फ्रेम. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू स्टडी वैल्यू एजुकेशन प्रॉपरली, बिकॉज वैल्यू एजुकेशन जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आपके इससे हर साल क्वेश्चन बनता है हायर एजुकेशन का फ्रॉम वैल्यू एजुकेशन. और यहाँ आपसे पूछा गया है वैल्यू एजुकेशन को एक होलिस्टिक फ्रेम में कैसे आप कौन सी एक्टिविटी और प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं. सो इसमें आपका आंसर आता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC के थ्रू आप कर सकते हैं. होलिस्टिक मीन्स जिसमें आप सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं. सो दिस इज द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, दे वर्क ऑन होलिस्टिक फ्रेमवर्क. सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज यूनिट्स इन अ यूनिवर्सिटी हैज़ अ स्टैचुरी फंक्शन टू परफॉर्म. कौन सी बॉडी और यूनिवर्सिटी है जिसका स्टैचुरी फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए. ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स आपके लिए फिर से. दिस इज कॉल्ड फाइनेंस कमिटी. फाइनेंस कमिटी एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आर द राइट चॉइस. सिंस यहाँ पर आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं दिया है, तो आपका राइट आंसर होगा फाइनेंस कमिटी. सो फाइनेंस कमिटी इज़ द राइट आंसर. आपके लिए एग्जाम में फ्रेंड्स कमिटीज़ पढ़ना एंड कमीशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम पॉलिटी एंड एनवायरमेंट सेक्शन, तो ये आप ज़रूर पढ़ें. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर डायरेक्टली कवर्ड इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप सारे एक्ट्स पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम में आपके
पॉलिटी एंड एनवायरमेंट सेक्शन से एक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं. सो यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा प्रोविजन है वो डायरेक्टली कवर करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर. सो इसमें आपका आंसर है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग एंड अबटेनिंग एंड अबेटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन. एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हटाने की जहाँ बात होती है उसको इम्प्रूव करने की बात होती है जहाँ पर, तो ये आपका पार्ट हो जाता है 1986 के एक्ट का. Then comes question number 49. In the context of a school university, which of the following aspects of environment determine the academic ethos? When we talk about academic ethos, यहाँ पर हमेशा human relations की बात की जाती है. जब भी आप academic ethos की बात करेंगे, it is related to human relations. So the correct answer will be patterns of human relations as evident in workplace. So यह आपको यहाँ पर word to word कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. अकेडमिक एथोस की बात होगी तो आप ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हैं, बाकी तीनों वहीं पर कट हो जाते हैं. सो द लास्ट क्वेश्चन इज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ डिवाइस ड्राइवर. अब इन चारों में से आपसे पूछा गया है डिवाइसेस ड्राइवर को कौन सा इनमें से स्टेटमेंट परफेक्टली डिफाइन करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू डिवाइसेस ड्राइवर जो है बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर को पूरा कंट्रोल देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का. सो इट बेसिकली इट अलाउज द यूजर टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है दैट इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दीज आर द 20 questions which were left and we have solved properly. Thank you for watching the video. Please subscribe to our channel. Thank you.